सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें आपने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बना करके इसको एक प्लेनर सरफेस में कन्वर्ट कर दिया आपने, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? सर दीपक? यस सर। आकाश? यस सर, यस सर। हमने एक रेक्टेंगल बनाया है और उसको प्लेनर सरफेस में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको लेना फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में क्या होता है कि आप इस सरफेस को सेट कर लो, तो आपको इसमें देखो लाइंस दिख गई होंगी क्रॉस क्रॉस करके, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर एड पॉइंट कर दो। क्या करना है? कंट्रोल टाइप पॉइंट। हाँ, फ्री फॉर्म में क्या है कि इसमें जैसे कि आपको एसपी लाइन याद है ऑटोकैड की? ऑटोकैड नहीं पढ़ा सर। आकाश आपको तो याद होगा। हाँ सर, एसपी लाइन जिसमें वो हम पॉइंट पॉइंट करते थे, वहां पे वो कर्व लेती चली जाती थी। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप ऐड कर्व करो, ठीक है। तो इसमें देखो एक वर्टिकल ग्रीन लाइन आ गई आपकी। यस सर, दिख रही है कि नहीं? यस सर, दिख रही है। तो अब यहाँ से इसके ऊपर पॉइंट, अब देखो एक आपने कर्व बना दिया ग्रीन लाइन से, जितने चाहो उतने बना सकते हो। पहले तो एक बना चुके हो, एक और क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक और आ जाएगा। अब इसी पे एड पॉइंट करो। क्या करो? अब ये, हाँ, अब ये जो ग्रीन लाइन आ रही है उस पर क्लिक करते जाओ तो देखो पॉइंट आपके आते जा रहे हैं उसी के ऊपर। आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो जितने चाहे उतने पॉइंट इस पे आप दे सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। अब एक बार इसमें ओके करके, अब इस जितने भी इसमें वो है डॉट, ठीक है, अब इनको आपको सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट। अब इसमें सिलेक्ट करो इनको यहाँ पे, तो एक एक्स वाई जेड आ गया आपको आपके पास। यस सर। अब इसको पकड़ के मूव करा दो। ये देखो शेप चेंज हो गई आपके कर्व की। yes, अब दूसरे को सेलेक्ट कर लो। डिस्टेंस ले लो जैसे लेना है आपको, तो जैसे चाहे वैसे आप इसमें क्या कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसीलिए इसका नाम क्या है? इस शेप का क्या नाम, इस कमांड का क्या नाम है? फ्री फॉर्म। क्या नाम है इसका? ये देखो, तो इधर से भी देखो आपका कम हो गया और इधर से आपका वो उठ गया। ठीक है सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। कर लोगे आगे समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब ये देखो आपका है प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस तो आपको पता ही है कि सीधे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है और उसको ऑब्जेक्ट को वो उसमें किसमें कन्वर्ट कर देगा, सरफेस में, चाहे वो आपकी कैसी भी शेप हो। अब यहां से अगर आपने स्केच ले लिया, टॉप में गए वैसे स्केच बना लिया आपने और यहां से नॉर्मल कर लिया, कोई भी शेप बना दो आप इस पे, आप सर्कुलर बना दो भले ही और इसको फिनिश कर दो, तो ये सर्कल आपका सरफेस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप सरफेस में जाकर के यहाँ से क्या लोगे, प्लेनर सरफेस, और इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये आपका सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कोई भी क्लोज्ड अगर आपके पास स्केच है उसको वो सरफेस में आपका चेंज कर देगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर ये एसपी लाइन वाला, ये सर एसपी वाला जो फ्री फॉर्म है ये सर काफी काम आता है वैसे? ये भाई किसी भी अगर आपको बॉडी बनानी है, किसी भी व्हीकल की बनानी है या किसी और ऑब्जेक्ट की बनानी है तो आप इससे बना सकते हो उसको फ्री फॉर्म से, अगर आपको वहां पे कुछ कर्व वगैरह देने हैं तो। ठीक है सर।
अब देखो इसमें आपका नेक्स्ट आता है क्या, ऑफसेट सरफेस। क्या आता है? ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस में क्या होता है आपका कि अगर आपको कोई भी पहले से सरफेस है और उन दोनों के बीच में कुछ उसी को सेम साइज को ऊपर की तरफ ऑफसेट करना है डिस्टेंस पे, तो आप यहां से इनको क्रिएट कर सकते हो उस तरह से। अगर इसको ऑफसेट करते हो आप, तो यहां से इसको हटाओ जो सिलेक्टेड है और इस वाले को सेट कर लो। तो देखो इसके ऊपर आपका सिलेक्ट हो रहा है और ओके कर दो। ये क्या कह रहा है आपका, अनेबल टू ऑफसेट द सिलेक्टेड सरफेस, प्लीज ट्राई द स्मॉलर डिस्टेंस। ओके, कम डिस्टेंस पे लेके करते हैं, 30 पे फिनिश। तो देखिए, अच्छा, सेल्फ इंटरसेक्टिंग। सेल्फ इंटरसेक्टिंग का मतलब देखो देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना आपस में, ये जो पार्ट आ रहा है जो आपका, यस सर, इसकी वजह से ये आपका क्या नहीं हो पा रहा है, ऑफसेट नहीं हो पा रहा है आपका, क्योंकि वो आपका एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट कर पा रहा है। अब शायद हो जाए 10 पे, देखते हैं। देखो हो गया 10 पे आपका, क्योंकि ऑफसेट अगर आपने देखा हो, ऑफसेट जब हम भी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो क्या होता है, साइज भी तो बढ़ा देता है उसका, है कि नहीं? यस सर। तो अगर सरफेस को जो है करने के लिए काम आएगा सर, जैसे कि अगर हमारे पास कोई बॉक्स या ऐसे क्यूबॉर्ड वगैरह को करना तो वो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये सिर्फ सरफेस, ऑफसेट सरफेस में ही आ रहा है बेटा, फीचर में तो आपका आ ही नहीं रहा कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट। उसके लिए तो आप उसमें क्या करोगे, ऑफसेट लगाने के लिए आपका जो स्केच है उसी में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, अब आपका ऑफसेट इसमें हो गया, अब आता है आपका रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस में क्या होता है, एजेस को पकड़ता है ये। किसको पकड़ता है? एजेस को। अगर मान लो कि अगर हम इसमें एजेस को ले लें, यहां से एक ये एज ले लिया, तो देखो आप देख रहे हो इसका रेडियस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, है ना? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें आप परपेंडिकुलर वेक्टर लो और दो एजेस को सेट कर लो, ठीक है? तो क्या हो रहा है आपका, नहीं हो पा रहा है। और यहां से नॉर्मल टू सरफेस लो, तो देखो इस सरफेस से आपका ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको दोनों में। यहां से आप इनका डिस्टेंस दे सकते हो आसानी से, देखो, है कि नहीं? तो ये आपके डायमेंशन है। जैसे कि अगर आपको फ्लैट बढ़ाना है उसको, कैसे बढ़ाना है, फ्लैट एजेस को बढ़ाना है, तो आप यहां से क्या लोगे, टेंजेंट टू सरफेस। टेंजेंट टू सरफेस। और अगर आपको नॉर्मल करना है, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर जा रहा है आपका, यस सर। टेपर्ड में कर दोगे तो क्या होगा, आप उसमें डिस्टेंस दे सकते हो, टेपर एंगल दे सकते हो, है कि नहीं? ठीक है सर। उसी एजेस के लिए। और ये अगर स्वीप लेना है तो स्वीप तो उसमें वहां से भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहां से इसको कर दो और फिनिश कर दो। तो देखो ये आपका रूल्ड सरफेस आपका आ जाता है इसमें ऐड हो जाता है। सर नॉर्मल टू द सरफेस अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो, इसमें रिवर्स डायरेक्शन का भी ऑप्शन होता है ना आपका। अब जैसे कि ये बाहर की तरफ हो रहा है आपका, अच्छा ये ऑफसेट हो गया, सॉरी, रूल्ड सरफेस ले लो और नॉर्मल में आपके पास ये है ना डिस्टेंस, नीचे की तरफ कर दोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा उसका। यहां से नॉर्मल में ये आपका ये आ रहा है ना रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन, ठीक है, यहां से इसको कर सकते हैं।
फिनिश करके देखो, तो देखो ये आपका ऐड हो गया इसके ऊपर, ठीक है सर। तो ये आपका रूल्ड सरफेस आता है। आकाश सॉरी दीपक कोई डाउट यहाँ तक बेटा? फ्री फॉर्म में, प्लेनर सरफेस में, ऑफसेट में या रूल्ड में? दीपक नो सर, कोई डाउट नहीं है आपका? हाँ सर। अच्छा अब देखो, अब आता है इसमें फिलेट। अभी फ्लैटर मैं आपको बताता हूँ, सरफेस फ्लैटर, उससे पहले देख लो क्या फिलेट। फिलेट और चैम्फर वही है, नॉर्मल है सबके लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप चूज कर लो, सपोज आपने ये एज सिलेक्ट कर ली, ये एज ले रहा है इसको, नहीं ले रहा। अब यहां से आप इसमें इसको नहीं लेगा, यहां से इसको डिलीट कर देते हैं जितने भी हमने लगाए हैं, और एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं इस तरह से, और इसको फिनिश कर देते हैं। अब यहां से आप ले लो फिलेट और ये वाली एज सेलेक्ट कर लो इसे, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस आपको कितना लेना है, 10 का दे रखा आपको सर्कुलर, ठीक है, फिनिश कर दो इसको। तो लग गया देखो आपका, और इस इन दोनों फेसेस से रिलेटेड आपके कितने थे, 3 एज थे, तीनों पे लग गया आपका। यस सर। और इस फिलेट में भी देखो, अगर आप देखेंगे तो वही चारों ऑप्शंस हैं जो आपके उसमें थे, ठीक है, ठीक है। अब यहां से आपने ये फिलेट लिया, फिलेट लग रहा है, इसको कंट्रोल जेड करूं, नॉर्मल हो गए, फिर से फिलेट लो। देखो ये है आपका एज पे लगाने वाला, ये है आपका वेरिएबल फ्लिट, यानी कि आप उसके पॉइंट्स पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि हर एक पॉइंट पे जितने भी देखो आपके पॉइंट आ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे आपको, जैसे कि ये V1 पॉइंट है, इसका रेडियस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ये V2 है तो V2 का आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, बाकी का जैसे कि आपने यहाँ पे भी आपने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट आपने ले लिया, तो इसमें देखो पॉइंट वन आ गया, पॉइंट वन का आपको कितना चाहिए रेडियस वो स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट चाहिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका ये आ रहा है, तो इस पे आप कितना वैल्यू दे दो वो एंटर कर दीजिए यहाँ पे आप। फिर अगले वाले पे यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना वैल्यू कर दो आप, ठीक है। तीन पॉइंट पे आपने अलग अलग दे दिया, फिनिश कर दो। तो ये क्या कह रहा है, यू मस्ट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर द रेडियस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द वर्टेक्स फॉर द ईच चेन ऑफ एज, यानी कि इसमें आपका इसके लिए रह गया आपका, इसको फिक्स कर दो 8, इसके लिए 10 कर देते हैं यहाँ पे 10, ठीक है। अब देखो आपका आ रहा है, यस सर। अब देखो यहाँ पे आपका अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, तो इस तरह से आप वेरिएबल फिलेटेड भी इसमें आप लगा सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको फीचर में भी लगा करके समझाई थी, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। आशीष सर, लेकिन सर पिछली बार हुआ था 3 एजेस पे हुआ था, इस बार एक ही पे हुआ? क्योंकि पिछली बार हमने सरफेस को सिलेक्ट किया था डियर, फेस को, इस बार हमने सिर्फ एज को सिलेक्ट किया, इसलिए एक ही पे लगाई है। आई बात समझ में कि नहीं? आगे सर, आगे।
कि इस फेस को और इस फेस से हमारी कितनी एजेस हैं, तीन है, एक ये और एक ये, इसलिए तीनों पे लग गया था। इस बार हमने सिर्फ इसी को सेट किया था। कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है। और आगे का आपका रहता है इसमें, हाँ फिर आता है आपका चैम्फर। चैम्फर भी आपने लगाया हुआ है, सिर्फ आपको क्या देना होता है इसमें, डिस्टेंस, इसको सेट कर लो। इसमें इसको सेट कर लेते हैं, क्या हो गया इसमें नहीं आ रहा आपका, सर चैम्फर सॉलिड बॉडीज में होता था या ये हॉलो? दोनों में होता है डियर, चैम्फर यहाँ तो सॉलिड में भी आता है आपका और 2D में भी आपका चैम्फर ही होता है, तो ये सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लिख भी नहीं रहा। इसको दो अलग अलग आपको लेते हैं, इसको सेट करके यहीं से आप बना दो, एक स्केच ले लो, ठीक है, टॉप पे और कंट्रोल 8, यहां से आपने एक लाइन ले ली, ये आपकी, इसको फिनिश कर दिया आपने, ठीक है। और इसी के ऊपर आपने एक और स्केच बना दो, ये फिनिश, और दोनों को यहां से एक्सट्रूड कर दो। सरफेस में एक्सट्रूड, और इसको भी, वार्निंग आ रही है वो एक बार पढ़िए। वार्निंग कहाँ पे आ रही है? यही जो क्लिक करने पे आ रही है। चैम्फर ये सिलेक्ट करेंगे? हाँ। एंटिटीज फ्रॉम सीट बॉडी कैन नॉट बी सिलेक्टेड। एंटिटीज फ्रॉम द शीट बॉडी कैन नॉट बी, शीट कहाँ पे? ये तो आपका इसी तो है सर, इसमें कहाँ है? शीट में ही थिकनेस होती है। Select the two the faces. Solid body ले लीजिए, उसमें देखिए लगा के एक बार, तो solid extrude ठीक है। हाँ ठीक है। चैम्फर और यहाँ तो लग रहा है, यहाँ लग गया, एक ही बार लग गया। चलो ठीक है, इसका देखो अब आपको मैं एक बार ये फ्लैटर और बता देता हूँ आपको, ठीक है। फ्लैटर में क्या होता है कि आपने इसमें इस तरह से आपने इसको सरफेस में कन्वर्ट कर लिया, और ये आपको फ्लैट करना है। क्या करना है? फ्लैट करना है, तो आप यहां से फ्लैट लो, ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लो, और किस एज के अबाउट इसको कराना है, सपोज आपने इस एज के अबाउट कराना है, और इसको यहां से कर दो क्या फिनिश। तो देखो ये एकदम सीधा आ गया आपका, सीधा हो गया पार्ट आपका कि नहीं हुआ? जी सर। Yes, sir, हो गया। इस तरह से आपको अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको फ्लैट कराना होता है
तो हम इस फ्लैट टर्न कमांड से कराते हैं। अब जैसे कि ये दो है, आपको इन दोनों को सेट कर लिया आपने। ये देखो ये इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये अलग अलग स्केच से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? अलग अलग स्केच से। सेलेक्ट कर लो तो ये आपका वही की एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए वहां फ्लैट नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर आपको फ्लैट करना है तो आप कौन सी कमांड से करोगे? फ्लैटन कमांड से। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।